सो है गाइस भाई, आप लोग थंबनेल भाई देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आप लोग को भाई किस टाइप की भाई रेटिंग सिखाऊंगा। तो आप लोग भाई थंबनेल देख के आप लोग भाई समझ गए होंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अपने फेस को कितना ज़्यादा हाई क्वालिटी में स्मूथ किया हूँ और कितना ज़्यादा भाई हाई क्वालिटी में अपने फेस को यहाँ पे गोरा किया हूँ। तो अगर आप लोग को ना भाई मात्र एक क्लिक में अगर आप लोग को भाई ऐसा एडिटिंग सीखना है तो आप लोग भाई पूरा लास्ट तक वीडियो आप लोग को देखना पड़ेगा। और आप लोग ना यहाँ पे देख लीजिए कि मैं सबसे अलग भाई सबसे हाई क्वालिटी में अपने फ़ोटो को यहाँ पर भाई एडिटिंग किया हूँ। तो इतना हाई क्वालिटी का फ़ोटो आप लोग अगर भाई एडिटिंग करना चाहते हो ना तो आप लोग से भाई रिक्वेस्ट है, भाई जिसको ऐसा एडिटिंग सीखना है बस भाई वही इस वीडियो को देखे, और भाई जिसको नहीं सीखना है भाई वो भाई वीडियो छोड़ के जा सकता है। तो आप लोग को भाई ऐसा एडिटिंग आप लोग को सीखने के लिए ना आप लोग को अपनी गैलरी में आना है। तो मैं यहाँ से अपनी गैलरी में आ गया हूँ भाई। तो आप लोग यहाँ पे मेरा फ़ोटो देख सकते हो कितना हाई क्वालिटी में स्मूथिंग किया हूँ और कितना हाई क्वालिटी में अपने फ़ोटो को यहाँ पे मैं एडिटिंग किया हूँ। तो आप लोग भाई इसको देख लिए ना भाई, इसको देखने के बाद आप लोग यहाँ पे देख लीजिए सिंपल फ़ोटो। तो आप लोग मेरा सिंपल फ़ोटो यहाँ पे देख लीजिए कितना ख़राब और भाई कितना बेकार लग रहा है देखने में। तो मैंने भाई कुछ नहीं किया, बस इसी फ़ोटो को लेके ना भाई कुछ इस टाइप से एडिटिंग किया है। तो ऐसा एडिटिंग आप लोग को करने के लिए आप लोग को अपना सिंपल फ़ोटो को सेंड करना है आप लोग को यहाँ से लाइटरूम में। तो आप लोग जैसे अपने फ़ोटो को भाई लाइटरूम में सेंड करेंगे तो आप लोग का फ़ोटो लाइटरूम में सेंड हो जाएगा। तो लाइटरूम में सेंड होने के बाद आप लोग को यहाँ से लाइटरूम को डायरेक्ट ओपन कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अपने लाइटरूम को ओपन कर लिया हूँ भाई। तो लाइटरूम ओपन होने के बाद आप लोग को, आप लोग भाई जैसे अपने फ़ोटो को ना भाई लाइटरूम में सेंड करेंगे तो आप लोग को लाइटरूम को भाई ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आप लोग का भाई फ़ोटो भाई कुछ इस टाइप से भाई शो करेगा। तो फ़ोटो आने के बाद आप लोग को ना अपने फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है, और फ़ोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ से नीचे आप लोग को भाई बहुत सारा मिलेगा आप लोग को सेटिंग। तो आप लोग को यहाँ से सिंपली सा आप लोग को ना भाई सिंपली सा आप लोग को क्लिक करना है इस लाइट वाले ऑप्शन पे। तो आप लोग लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ से मिलेगा कॉन्ट्रास्ट। तो आप लोग को भाई कॉन्ट्रास्ट को भाई थोड़ा सा करना है प्लस, और भाई यहाँ से मिलेगा हाई लाइट। तो आप लोग को इसको भाई रखना है थोड़ा सा प्लस, इनका इतना प्लस रख के आप लोग का शैडो को भाई रखना है प्लस, और भाई इतना होने के बाद आप लोग को वाइट को माइनस, इनका इस ब्लैक को प्लस। तो इतना होने के बाद अब आप लोग को यहाँ से क्लिक करना है कलर वाले ऑप्शन पे, और भाई कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ना आप लोग को यहाँ से भाई इसको आप लोग को ना एडजस्ट कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं कितना अच्छे तरीके से भाई यहाँ पे इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। तो इतना एडजस्ट होने के बाद अब आप लोग को यहाँ से क्लिक करना है मिक्स वाले ऑप्शन पर। तो मिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ से भाई पहले आप लोग को लेना है ग्रीन कलर। तो भाई ग्रीन कलर आप लोग को लेके ना भाई आप लोग को इसको एडजस्ट कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इसको कितना अच्छे तरीके से भाई यहाँ पे एडजस्ट कर दिया हूँ। तो आप लोग ना भाई ऐसे एडजस्ट कर लेंगे तो आप लोग का एडजस्ट हो जाएगा। तो एडजस्ट होने के बाद आप लोग को अब सिंपली सा यहाँ से लेना है ये वाला कलर। तो भाई इसको लेने के बाद आप लोग को भाई इसको भी एडजस्ट कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोग भाई सॉरी गाइस हम कैसे इसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो इतना एडजस्ट होने के बाद अब आप लोग को यहाँ से लेना है ऑरेंज कलर। तो भाई ऑरेंज कलर लेने के बाद ना आप लोग को भाई सिचुएशन को आप लोग को रखना है माइनस, एंड गाइस लुमिनस को भाई प्लस में। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कितना हाई क्वालिटी में मैं आप लोग के सामने भाई मात्र एक क्लिक में अपने फ़ोटो को आप लोग को सामने भाई एडिटिंग कर दिया हूँ। तो इतना होने के बाद मैं यहाँ से करता हूँ डन। तो अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो इतना होने के बाद अब आप लोग को अपने इस फ़ोटो को ना सेंड करना यहाँ से पिकशॉट में। तो मैं यहाँ से भाई अपने फ़ोटो को डायरेक्ट पिकशॉट में सेंड कर लेता हूँ। तो आप लोग भाई अपने फ़ोटो को डायरेक्ट भाई पिकशॉट में सेंड कर लेना लाइटरूम से। तो मैं यहाँ से ना अपने फ़ोटो को भाई डायरेक्टली सेंड कर दिया हूँ पिकशॉट में। तो गाइस पिकशॉट मेरा फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है, तो आप लोग को दिखाता हूँ मेरा फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि मेरा फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है। और फ़ोटो आने के बाद अब आप लोग को यहाँ से लाइट को ऐड करना है। तो आप लोग के पास लाइट नहीं होगा भाई, मुझे पता है। तो आप लोग कमेंट कर देना भाई जिसके पास नहीं है भाई वो कमेंट कर देगा। इसमें लाइट अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बस आप लोग को कॉमेंट करना है।
तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि मैं अपने लाइट को जहाँ पे रखा हूँ मैं वहाँ से ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से आता हूँ नीचे भाई, नीचे आने के मैं यहाँ से अपने लाइट को ले लेता हूँ। और लाइट लेने के बाद आप लोग को भाई इसको सबसे लास्ट में आना है, और सबसे लास्ट में आके आप लोग को नीचे मिलेगा यहाँ से ब्लेंड। तो आप लोग को ना ब्लेंड पे क्लिक करना है, और ब्लेंड पे क्लिक करके आप लोग को यहाँ से मिलेगा स्क्रीन। तो आप लोग को ना स्क्रीन पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ब्लैक ब्लैक जो था भाई हट चुका है। तो इस भाई आप लोग भाई ब्लेंड पे आके गाइस आप लोग स्क्रीन करोगे गाइस, स्क्रीन करने के बाद आप लोग का भाई साइड में भाई ब्लैक ब्लैक रहेगा, हट जाएगा। और हटने के बाद भाई आप लोग मान लो जैसे भाई मुझे इस PNG का भाई ये कलर चेंज करना है, तो भाई कलर चेंज करने के लिए आप लोग को ना यहाँ से आना है एडजस्ट पे, और भाई एडजस्ट पे क्लिक करके ना आप लोग को यहाँ से मिलेगा ह्यू। तो आप लोग नीचे भाई यहाँ पे मिलेगा ह्यू लिखा हुआ, तो इस पर क्लिक करके आप लोग को भाई इसको एडजस्ट कर लेना है। तो अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि मैं आप लोग के सामने अपने फ़ोटो को यहाँ पे एडिटिंग करके दिखा दिया हूँ। तो इतना होने के बाद मैं करता हूँ डन, और अब डन करने के बाद ना आप लोग को यहाँ से आना है सबसे ऊपर, और ऊपर आने के बाद आप लोग को यहाँ से मिलेगा ये वाला ऑप्शन। तो आप लोग को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और आप लोग को सबसे लास्ट में आकर गाइस, सबसे लास्ट में आने के बाद आप लोग को यहाँ से मिलेगा हेयर कलर। तो आप लोग यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे लिखा है भाई हेयर कलर, तो आप लोग को ना इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करके आप लोग को यहाँ से लेना है गुलाबी कलर। तो भाई गुलाबी कलर आप लोग को लेके करना है डन, और डन करने के बाद आप लोग को लिप्स को जूम करके, और लिप्स को जूम करने के बाद आप लोग को ना अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई करना है। तो आप लोग यहाँ पे देख लो कि भाई कितना मस्त तरीके से मैं अपने लिप्स को आप लोग के सामने भाई पिक्सआर्ट से भाई कलर कर दिया हूँ। तो भाई कितना अच्छा भाई मेरा फोटो भाई लग रहा है देखने। मैं यहाँ से करता हूँ डन, और डन करने के बाद ना भाई आप लोग अब यहाँ पे देख लेना, तो मैं भाई यहाँ से ना कर दिया हूँ डन। और गाइस डन करने के बाद आप लोग ना भाई यहाँ पे देख सकते हो कि मैं भाई कितना हाई क्वालिटी में अपने फ़ोटो को यहाँ पे एडिटिंग कर दिया हूँ। तो बस भाई ऐसा एडिटिंग आप लोग को अगर सीखना है तो भाई आप लोग को पूरा लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा, सॉरी गाइस। तो आप लोग अगर भाई पूरा लास्ट तक वीडियो देख लें उसके लिए थैंक्स, और भाई ना मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए बाय। तो अगर आप लोग को भाई कोई दिक्कत और भाई कोई प्रॉब्लम हो ना आप लोग कॉमेंट कर देना, मैं आप लोग के लिए भाई वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग भाई फेस स्मूथ करना चाहते हो भाई आप लोग जाओ मेरे चैनल पे, मैं भाई बहुत सारा भाई वीडियो अपलोड किया हूँ, और आप लोग जाके भाई देख के और सीख सकते हो, और आप लोग अपने फेस को स्मूथिंग कर सकते हो। तो भाई ना यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। तो अगर भाई वीडियो भाई मैं कुछ गलत आप लोग को सामने बोल दिया हूँगा ना, तो भाई उसके लिए थोड़ी, तो भाई आज मतलब भाई मिलता हूँ अगले वीडियो में, उसके लिए बाय। अगर आप लोग भाई कोई दिक्कत हो गाइस आप लोग कमेंट कर देना भाई प्लीज़।